नमस्कार और आप देख रहे हैं आगामी दिवस 2022 को सुशासन अंतोदय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष 2022 को सुशासन अंतोदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शनिवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांगजन जो बोल या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए डायल 112 को अत्यधिक सरल और सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने आर्म लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसके अंतर्गत आर्म लाइसेंस की फाइल फिजिकल की तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्म लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन RTS के तहत दायरे में लाई जाएगी और मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए ये भी कहा कि जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही राशन दिया जाएगा। इसमें PDS के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के घटने या बढ़ने का हिसाब भी परिवार पहचान पत्र में ही होगा। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की भी घोषणा की। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से ये विशेष रिपोर्ट। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम जैसा जानते हैं कि 25 दिसंबर दो महान विभूतियों का जन्मदिन होता है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे क्रांतिकारी नेता स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी। दोनों ही विभूतियां भारत रत्न से और विभूषित हैं। ऐसे दोनों के जन्मदिन के अवसर पर मैं दोनों के प्रति अपने मन से आदर भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसे हमने 19 में सुशासन संकल्प वर्ष मनाया, 20 में हमने सुशासन परिणाम वर्ष मनाया, इस बार सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष हम इस वर्ष को इस रूप में मनाएंगे। दो योजनाएं नई हैं जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। एक तो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खास करके हियरिंग एंड स्पीच, बोलने में कठिनाई है, सुनने में कठिनाई है, वो 112 को डायल करके बात नहीं कर सकते, समस्या है। तो विचार किया कि इनके लिए क्या करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने की बात आज विचार हमने की है, जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनको एक सूचना दी जाएगी कि 112 पर या तो एक सिंपल एक दो शब्दों का SMS कर दें, ताकि SMS आते ही इधर से एक जो वीडियो कॉल है ये उनको की जाएगी, या कोई WhatsApp कर दें ताकि सूचना मिलते ही यहां से वीडियो कॉल उस व्यक्ति को, उसके पास मोबाइल होना चाहिए यह सुविधा लेने के लिए, इतना प्रबंध उसको करना पड़ेगा। वीडियो कॉल करके फिर हम 112 में सफिशिएंट जितनी आवश्यकता है कर्मचारी जो साइन लैंग्वेज समझते हैं, साइन लैंग्वेज समझने वाले उनको बैठाएंगे और ताकि साइन से वो अपनी बात, क्योंकि उनके अपनी साइंस की लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही एक्सपर्ट हमको यहां बैठाने पड़ेंगे ताकि उनको शिकायत को सुन के और फटाफट अपनी बात करके 112 जो भी हमारी गाड़ी सुविधा है उसको कहें ताकि वो पहुंच सके। दूसरे आज एक योजना और हमने विचार की है, एक समस्या है बड़ी, आर्म लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में। तो हम तय कर रहे हैं, दो जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला, इन दो जिलों में आर्म लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है उसकी प्रोसेस है वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस जो पुलिस की वेरिफिकेशन है उसको भी RTS के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन RTS के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो रिजेक्ट होकर उनको पत्र चला जाएगा। इसकी सफलता मिलने के बाद इसकी नीति भी नहीं बना रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई करें कौन ना करें, किसको लाइसेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ताकि एक लंबी दौड़ और कई बार तो प्रेस्टिजियस इशू बनता है कि मेरे पास वेपन है तो एक मेरी प्रेस्टिज बढ़ जाएगी,
उस विषय को हम कम से कम डिस्करेज करना चाहते हैं कि प्रेस्टीज का विषय नहीं है, सुरक्षा का विषय है केवल। तो सुरक्षा के नाते जिसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी वो लाइसेंस उनको ये दिलवाया जाएगा। पीडीएस की एक नई योजना, इसकी भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारे जो राशन कार्ड हैं अभी वो छप करके जाते हैं वही लेके जाता है पीडीएस की दुकान पर, उसी हिसाब से राशन लेके आता है। लेकिन जनवरी महीने का जो राशन है अब चेंज करके केवल वहाँ उसने परिवार पहचान पत्र बताना है और परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से उसको राशन मिल जाएगा, उसको अपना राशन कार्ड अलग से नहीं ले जाना है। अगर उस परिवार के सदस्य कम हो जाएंगे तो कम का मिलेगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा का मिलेगा। कम ज़्यादा कैसे होंगे, हमने डेथ रजिस्ट्रेशन ये भी एक प्रकार से जरूरी कर दी है, उसका सिस्टम बन गए हैं कि डेथ रजिस्ट्रेशन होते ही चाहे उसी दिन नहीं तो एक नंबर ऑफ डेज कुछ तय होंगे उसके को, उस दिन तक वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो होते ही परिवार पहचान पत्र से उसका नाम कम हो जाएगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसको भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा जो पंचायत विभाग है उन दोनों से मिल करके इसको भी अनिवार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारा रजिस्ट्रेशन होता ही है तो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके उस परिवार का सदस्य उसमें बढ़ जाएगा। मैरिज को भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मैरिज होते ही परिवार का सदस्य जिसका बढ़ गया है बढ़ा देंगे, जिसका घट गया घटा देंगे। वो तो अगर प्रदेश के अंदर ही है मैरिज तो दोनों हो जाएंगे, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा। प्रदेश के बाहर शादी हुई है या बाहर से शादी हुई है तो अकॉर्डिंगली उसका निर्णय होकर के जनवरी का राशन इस हिसाब से मिलेगा। एक अंतिम योजना है कि जिसको मैं कह सकता हूं कि अटल जी की स्मृति में गुरुग्राम में एक पार्क, अब उसकी योजना भी बनाएंगे कि वो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ कितने बनाना है, लेकिन उनकी स्मृति में एक अच्छा एक स्मृति केंद्र ऐसा बने ताकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उनकी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को उनके विचारों से हम अवगत करा सकें।